सुस्वागतम। मैं रेणुलता पांडे संस्कृत शिक्षिका शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 14 बालक नचिकेता के दो संकेतों का अर्थ पढ़ाया था। इसके आगे मैं आज स्टार्ट करने जा रही हूँ। आप सभी अपनी बुक ओपन करें और पेज नंबर 78 पर देखें। संकेत होगा यमराजा से लेकर, ये तीसरा संकेत है इस चैप्टर का, यमराजा डैश 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 इति। ठीक है, तो मैं इन संस्कृत पंक्तियों का अर्थ पढ़ा रही हूँ, आप ध्यान से सुने, संकेत लिखे और उसके बाद अर्थ। यमराजा तदानीं यमलोके नासीत्, यमराज उस समय यमलोक में नहीं थे। अतः सा यमलोकस्य प्रवेश द्वारे त्रीणि दिनानि निरन्नम अतिष्ठत्, इसलिए वह यमलोक के प्रवेश द्वार पर 3 दिन निरन्नम बिना भोजन किए बैठे रहे। यदा यमराजा प्रत्यागच्छत्, जब यमराज लौटे, तदा सा तत्र प्रवेश द्वारे तर्जसिनम बालकम एकम अपश्यत्, तब उन्होंने वहां प्रवेश द्वार पर एक तेजस्वी बालक को देखा। सा नचिकेतारम आगमनस्य कारणम अप्रक्षत, उन्होंने नचिकेता से आने का कारण पूछा। सा सर्वं वृत्तान्तं यमराजाय निवेदितवान, उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत यमराज से निवेदन किया। यमराजा प्रसन्ना भूत्वा उदत, यमराज प्रसन्न होकर बोले, पितरितौ श्रद्धा भक्ति दृष्ट्वा अहम प्रसन्नोऽस्मि, पिता पर तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। त्वं त्रीणि दिनानि निरन्नम अतिष्ठा, तुम 3 दिन बिना भोजन किए बैठे रहे, अतः त्रीन वरान याचस्व, इसलिए 3 वरदान मांग। फिर से इन पंक्तियों को देखें। यमराज उस समय यमलोक में नहीं थे, इसलिए वह यमलोक के प्रवेश द्वार पर 3 दिन बिना भोजन के बैठे रहे। जब यमराज लौटे, तब उन्होंने वहां प्रवेश द्वार पर एक तेजस्वी बालक को देखा। उन्होंने नचिकेता से आने का कारण पूछा। उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत यमराज से निवेदन किया। यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, पिता पर तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति को देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम 3 दिन बिना भोजन के बैठे रहे, इसलिए 3 वरदान मांगो। तो अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो है संकेत देखें। ये होगा नचिकेता से लेकर के लास्ट में चार्टर। नचिकेता डैश 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 चार, ये लास्ट संकेत है। देखें, नचिकेता प्रथमं वरं अयाचत, नचिकेता ने पहला वरदान मांगा। मां प्रत्यागतं दृष्ट्वा पिता प्रसन्नेन मनसा स्वीकुर्यात्, मुझे लौटा हुआ देखकर पिता प्रसन्न मन से स्वीकार करें। तस्य यज्ञः च सफला भवतु, और उनका यज्ञ सफल। यमराजो अवदत, यमराज बोले, तथास्तु, वैसा ही हो। तथास्तु मतलब वैसा ही। द्वितीय वरे नचिकेता स्वर्गलोकस्य प्राप्ति साधना यज्ञ विधिये च प्रार्थयत्, दूसरे वरदान में नचिकेता ने स्वर्गलोक की प्राप्ति की साधना के लिए और यज्ञ विधियों की प्रार्थना की। यमराज तत्सर्वम आवर्णय, यमराज ने वैसा वर्णन किया। तृतीय वरे सा आत्मना मृत्यु च विषय ज्ञातुमिच्छत्, तीसरे वरदान में उन्होंने आत्मा और मृत्यु के विषय में जानना चाहा। यमराजा नचिकेतारं प्रभुतस्य धनस्य त्रैलोकस्य राज्यस्य च प्रलोभनं दत्तवान, यमराज ने नचिकेता को बहुत सा धन, तीनों लोक और राज्य का प्रलोभन दिया या राज्य का लालच दिया। परम सह न स्वीकृतवान, परंतु उन्होंने स्वीकार नहीं किया। एवं इस प्रकार बहुविधम परीक्षे, बहुत प्रकार से परीक्षा लेकर, बालकम च योग्य मत्वा, और बालक को योग्य मानकर, यमराज ने आत्मा के विषय में उपदेश दिया। आत्मा अजरः अमराचास्ति, आत्मा अजर और अमर है। केवलम देह एव नश्यति, केवल शरीर ही नष्ट होता है। अयम आत्मा नित्या सर्वभूतांतरात्मा च अस्ति, यह आत्मा नित्य और सभी प्राणियों में स्थित। अंते सुमौदत, और अंत में वह बोले, यदि तुम शाश्वतम सुखम इच्छसि, यदि तुम शाश्वत सुख चाहते हो तो
की जानो। शरीरम रथम एवतु, शरीर तो रथ ही है। बुद्धिं तु सारथिं विद्धि, बुद्धि को सारथी जानो। मनः पग्रहम एवच, मन को वश में करने वाला ही है। फिर से सुने, आत्मा को रथ का स्वामी जानो। शरीर तो रथ ही है, बुद्धि को सारथी समझो, मन फिर वश में करने वाला ही है। तो बच्चों, ये चैप्टर यानी चैप्टर का अर्थ कंप्लीट हो गया है। आप सभी शब्दार्थ याद करें, इस पाठ का अर्थ लिखें, अपना संपूर्ण कार्य समय से करते रहें। धन्यवाद। आपका दिन मंगल।